और बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां गैंगस्टर रोहित यादव के घर पर बुलडोजर चला है। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया था। रोहित यादव पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव का ये मामला है। तो हमीरपुर में भी लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जहां गैंगस्टर रोहित यादव, जिस पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसके घर पर बुलडोज़र चला है। उसके घर को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें, ये घर ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए घर को जमींदोज कर दिया है। और ये पूरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गाँव का है। सारा जनपद हमीरपुर निवासी रोहित यादव, जिनके ऊपर लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो 302, 307, 385, 387 और 395 जो संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। 2017 में इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद ये दस्तीगढ़ की कार्रवाई की जा रही है। रोहित यादव निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपना मकान बना लिया गया था। इसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 राजस्व संहिता के अंतर्गत मुकदमा भी चला, जिसमें ये लोग अंतिम रूप से हार गए हैं। इनको समय दिया गया था कि यदि ये अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लेंगे तो प्रशासन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं की जाएगी, परंतु इनके द्वारा समय उपरांत भी अपना अतिक्रमण नहीं हटवाया गया, इसलिए आज ग्राम सभा में की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हमारी और सीओ साहब की संयुक्त टीम द्वारा यहां मौके। और हमारे संवाददाता शीलू निषाद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीलू, क्या कुछ कार्रवाई रोहित यादव के घर पर हुई है? जी, आपको बताएं, जिस तरीके से यूपी में बाबा का बुलडोजर के नाम से चल रहा है, अपराधियों के मकान पर गिराए जा रहे हैं, उस तरीके से अगर बात करें तो हमीरपुर जिले में भी आज बाबा का बुलडोजर चला है। जिस तरीके से आपको बता दें कि ये गैंगस्टर और कई संगीन मामलों पे, करीब 2 दर्जन मामलों पे विशेष चला था, जिसमें इसके ऊपर कार्रवाई कल की गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया शीलू जानकारी के लिए।